नमस्कार, आज है 7 नवंबर 2023 मंगलवार का दिन और आज राजस्थान में बहुत कुछ बदलने वाला है। और क्या है आज की 10 बड़ी तमाम खबरें जानेंगे फटाफट, और क्या रहेंगे आज के चुनावों के माहौल। वहीं किसानों के लिए बड़ी खबर निकल कर आ रही है, अब राजस्थान को भी शिक्षा के स्तर में मिलेगा बढ़ावा। जानते हैं आज की लेटेस्ट खबरें, बने रहिएगा अंत तक। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कांग्रेस सरकार द्वारा जनता को दी गई 7 गारंटियों को लेकर जोरदार पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि गहलोत सरकार ने पिछले 4.5 साल तक कोई काम नहीं किया और अंत के 6 माह में जनता को गारंटी के नाम पर छलावा दे रहे हैं, लेकिन जनता अब इस गारंटी की हकीकत जान चुकी है, अब वह इनके छलावे में नहीं आने वाली। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री शेखावत ने कहा कि यह सरकार पिछले 4.5 साल में जनता की अपेक्षा के अनुरूप काम नहीं कर पाई। पहले महंगाई राहत शिविर के नाम पर और अब 7 गारंटी के नाम पर जनता को धोखा दे रही है। वहीं रविवार देर शाम कांग्रेस की ओर से जारी की गई 7वीं सूची में अजमेर उत्तर से महेंद्र सिंह रतलावत को कांग्रेस ने अपना प्रत्याशी बना दिया है। इस सीट पर करीब 1 सप्ताह से कांग्रेस के अंदर काफी कमसम चल रही थी। RTIDC अध्यक्ष धर्मेंद्र सिंह राठौड़ भी इस सीट में अपनी मजबूत दावेदारी जता रहे थे। तो वहीं कुछ दिन पहले भाजपा छोड़ कांग्रेस में आए साध्वी आनंदी सरस्वती को भी इस सीट से टिकट दिए जाने की अटकेले तेज हो गई थी, लेकिन तमाम संभावनाओं को खारिज करते हुए कांग्रेस आला कमान ने महेंद्र सिंह रतलावत को भरोसा जताया, जो कि पिछला विधानसभा चुनाव भी इस सीट से लड़े थे और हार गए थे। वहीं अजमेर से खबर आ रही है, भाजपा ने मसूदा से बदला अपना टिकट। तथ्यों को छुपाने पर अभिषेक सिंह का बदला टिकट, अब वीरेंद्र सिंह कानावत होंगे भाजपा के अधिकृत प्रत्याशी। दरअसल अभिषेक सिंह पर अपने धर्म और जाति का तथ्य छुपाकर टिकट लेने का आरोप है। इसे लेकर मीडिया ने प्रमुखता से खबर चलाई, जिसके बाद जयपुर से लेकर दिल्ली तक भाजपा के अंदर खाने हड़कंप मच गया। साथ ही अभिषेक सिंह को टिकट दिए जाने का इलाके में भी जबरदस्त विरोध हो रहा था। ऐसे में पहले भाजपा ने अभिषेक सिंह का टिकट होल्ड कर रखा और अब वीरेंद्र सिंह कानावत को अपना अधिकृत प्रत्याशी बनाया। वहीं बड़ी खबर निकल कर आ रही है, किसानों को लेकर अमित शाह की बड़ी तैयारी, अब MSP के अलावा मिलेगा बड़ा प्रॉफिट शेयर। केंद्र की तरफ से किसान को PM किसान जैसी योजनाओं से आर्थिक मदद दी जा रही है। वहीं हाल ही में कुछ चीजों की MSP को भी बढ़ावा दिया गया है। अब जहां सरकार की तरफ से एक और बड़ी मदद की घोषणा की गई है, सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा कि नव स्थापित नेशनल कॉरपोरेशन और एक्सपर्ट लिमिटेड को अब 7,000 करोड़ रुपए के ऑर्डर मिले हैं। यहां जो बड़ी बात है वो यह है कि MSP के अलावा एक्सपर्ट्स का आधा फायदा किसानों को मिलेगा। वहीं जाने CM अशोक गहलोत के पास कितना है सोना चांदी और नकदी, यहाँ से मिला अपडेट। CM अशोक गहलोत ने नामांकन दाखिला किया। नामांकन के शपथ पत्र के मुताबिक CM अशोक गहलोत की सालाना आय बड़ी है। नामांकन पत्र में दी CM ने जानकारी, CM की आय 2022-23 में 25.74 लाख हुई है। 2018-19 में 20.88 लाख की CM की सालाना आय है। CM के पास मात्र 20,000 रुपए नगद है। पत्नी सुनीता गहलोत के पास भी मात्र 10,000 रुपए नगद है। CM के बैंक खाते में 1.93 करोड़ जमा है। पत्नी के नाम बैंक में 65 लाख जमा है। CM की पत्नी के पास 23.75 तोला सोना, 900 ग्राम चांदी है। वहीं जयपुर से खबर आ रही है, दीपावली के त्योहार को देखते हुए जयपुर ट्रैफिक पुलिस ने शहर के प्रत्येक क्षेत्र के लिए अलग अलग तरीके से ट्रैफिक व्यवस्था को लेकर रोड मैप तैयार किया है। त्योहारों के चलते तमाम बाजारों में लोगों को खरीदारी और वाहनों का आवागमन काफी बढ़ जाता है। इसके साथ ही लोक परिवहन के साधन ई रिक्शा और ऑटो का आगमन भी काफी अधिक रहता है। इसके चलते यातायात व्यवस्था प्रभावित होती है। इसके साथ ही बाजारों में पटाखे और मिठाइयां बेचने वाले दुकानदार अपनी दुकान के बाहर टेंट लगाकर उसे आगे बढ़ा देते हैं, जिसके चलते खरीदारी के लिए आने वाले लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ता है। साथ ही यातायात व्यवस्था भी चरमरा जाती है। वहीं प्रकृति का भी कहर सामने आ रहा है। राजस्थान समेत उत्तर भारत में हफ्ते भर में दूसरी बार कांपी धरती, फिर केंद्र रहा नेपाल। राजस्थान समेत उत्तर भारत में एक बार फिर से भूकंप के तेज झटकों से धरती हिली। पिछली बार यह कंपन आधी रात को लोगों ने महसूस किया था। इस बार यह तकरीबन शाम के 4:19 मिनट पर 5.4 की तीव्रता के झटकों का महसूस किया।
यह झटके राजस्थान के जयपुर समेत उत्तर भारत के सभी राज्य दिल्ली एनसीआर, वाराणसी, पटना, नोएडा, दिल्ली एनसीआर, गुड़गांव में महसूस किए गए। 3 दिन में दूसरी बार भूकंप के झटके लगने से लोग सहम गए हैं। भूकंप का केंद्र एक बार फिर नेपाल में था। इससे पहले शुक्रवार रात नेपाल में आए तेज भूकंप की वजह से उत्तर भारत के अधिकतर इलाकों में झटके लगे थे। वहीं बांसवाड़ा से भी दुर्घटना की खबर सामने आ रही है। घर में भूल से भी ना करे ऐसी गलती। तीसरी मंजिल की रेलिंग से गिरा दिव्यांश। बांसवाड़ा जिले की कलिंजरा थाना क्षेत्र के बागीदोर कस्बे के समीप स्थित अगोरिया गांव में रात को एक हादसा हो गया। इस हादसे में 8 साल के बच्चे की मौत हो गई। यह पूरा मामला है कि अगोरिया गांव में रात के समय तीसरी मंजिल पर मां अपने 8 साल के बेटे दिव्यांश के साथ कपड़े लेने गई थी। तभी बेटा सीढ़ियों में बनी रेलिंग पर खेल रहा था। अचानक से उसका बैलेंस बिगड़ा और वो नीचे सर के बल गिरा। मां उसे गंभीर अवस्था में स्थानीय चिकित्सालय लाई, जहां प्राथमिक इलाज के बाद उसे शहर के महात्मा गांधी चिकित्सालय में भर्ती कराया गया, जहां इलाज के समय उसकी मौत हो गई। वहीं सीएम अशोक गहलोत ने विराट कोहली को जन्मदिन की शुभकामनाएं दी। वहीं ट्वीट किया कि जन्मदिन के दिन 49वें रिकॉर्ड शतक से पूरे भारत को जीत का तोहफा देने वाले विराट कोहली को हार्दिक शुभकामनाएं। अनुशासित गेंदबाज व आक्रामक बल्लेबाजी से विश्व कप में देश के अजय रथ को गतिमान रखने वाले टीम इंडिया को सलाम और बधाई दी। ये थी राजस्थान की तमाम बड़ी खबरें। अगर यह वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल सब्सक्राइब करें डेली सुबह अपडेट पाने के लिए। इसी के साथ आप सबका धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।